बीजापुर में 1200 जवानों की सुरक्षा के बीच 9 करोड़ 60 लाख की लागत से बनी 12 किलोमीटर की पक्की सड़क को बने 12 महीने भी नहीं हुए हैं कि सड़क पर सैकड़ों बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। दरअसल इंटर स्टेट कॉरिडोर पर बसे पामेट को आजादी के 7 दशक बाद सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद आज से 1 साल पहले शुरू हुई थी। अब निर्माण के चंद महीनों बाद ही करोड़ों रुपए से बनी पक्की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा में लगे जवानों पर माओवादियों ने 6 बार हमला भी किया था। इतना ही नहीं बल्कि बरसाती नाले पर बनाया गया एक पुल भी बह गया है। हालात का जायजा लिया स्वराज संवाददाता, आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं जहां मजदूर राफा गैती चला रहे हैं, रोड को खोद रहे हैं। दरअसल इस सड़क को बने हुए महज 1 साल का समय हुआ है। 12 करोड़ की लागत से सड़क बन रहा है। तेलंगाना से पामेर तक एक सड़क बन रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी, आजादी के बाद पहली बार यहाँ इस पक्की सड़क का सपना लोगों ने देखा था। इस सड़क को बनाने में 4 जो कैंप है वो लगाए गए थे, 1200 से जो ज्यादा जवान है वो इसकी तैनाती में लगे थे। लेकिन जो निर्माण एजेंसी है, निर्माण एजेंसी जिस ठेकेदार को मिला है उसने किस कदम यहाँ पे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ कुछ मजदूर हैं जो तेलंगाना से आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? रोड को खोद रहे सर। क्यों खोद रहे हो? खराब हो गया सर। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ से? सिपापुर से सर। अच्छा, कितना समय हो गया रोड को बन के? 6 महीने हो रहा है सर। अच्छा, 6 महीने में रोड को? कितने दिन से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? 5 दिन से। 5 दिन से। और कितना लंबा इस तरीके से रोड उखड़ा हुआ है? बहुत दूर है सर। बहुत दूर तक? हाँ। तो आप लोग पूरा वहाँ तक काम करोगे? हाँ, वहाँ तक काम करोगे। अच्छा, कितने मजदूर लगे हुए? इधर से 3 किलोमीटर सर। 3 किलोमीटर तक? हाँ। तो आप देखिए, जब हमने शुरुआत की जीरो से, अभी हम तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं। 2 CRPF के जो कैंप है उसको पार करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये मजदूर बता रहे हैं कि 4 किलोमीटर दूरी से ये जो खुदाई का काम है ये कर रहे हैं। तो 12 किलोमीटर की सड़क में अभी महज 4 किलोमीटर हम पहुँचे हैं। 4 किलोमीटर तक लगातार इस तरीके से खुदाई और उसमें मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। ऐसे संवेदनशील इलाकों में जहाँ एक अदद सड़क ग्रामीणों को मिले वो उसके लिए सरकार प्रयास करती है, लेकिन यहाँ ठेकेदार और जो संबंधित विभाग है उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है। और सत्ताधारी दल से जुड़े एक ठेकेदार का भ्रष्टाचार यहाँ खुलकर सामने आया है। और उस भ्रष्टाचार की जो कड़ियाँ हैं, जो डामर है, उसको यहाँ पर लेबर जो है, मजदूर जो है, खोद रहे हैं। पामेड़ सड़क से मैं पवन दुर्गम, स्वराज एक्सप्रेस।